हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं स्कूल में बोले जाने वाले अंग्रेजी शब्द विद हिंदी मीनिंग्स, वो भी सेंटेंस के साथ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है सुनाना, याद किया हुआ। इंग्लिश में बोलेंगे रिसाइट, रिसाइट। जैसे कविता को शुरू से सुनाओ, रिसाइट द पोएम फ्रॉम द बिगनिंग, रिसाइट द पोएम फ्रॉम द बिगनिंग। नेक्स्ट है पढ़ाई या अध्ययन करना। इंग्लिश में बोलेंगे स्टडी, स्टडी। जैसे वह अपनी अंतिम परीक्षा के लिए पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम्स, ही इज स्टडिंग फॉर हिज फाइनल एग्जाम्स। नेक्स्ट है परिश्रम से अध्ययन करना या जमकर पढ़ाई करना। इंग्लिश में बोलेंगे स्वार्ट, स्वार्ट। जैसे मैं परीक्षा के लिए जमकर पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्वार्टिंग फॉर द एग्जाम। नेक्स्ट है रट्टा मारना। इंग्लिश में बोलेंगे क्रैम, क्रैम या मग अप। जैसे हमें परीक्षा के लिए कुछ सूत्र रट लेने चाहिए, वी मस्ट मग अप सम फार्मूलाज फॉर द एग्जामिनेशन। नेक्स्ट नकल कहना। इंग्लिश में बोलेंगे कॉपी, कॉपी मीन्स नकल कहना। जैसे हमें नकल नहीं करनी चाहिए, वी शुड नॉट कॉपी, वी शुड नॉट कॉपी। नेक्स्ट याद कहना। इंग्लिश में बोलेंगे मेमोराइज, मेमोराइज मीन्स याद कहना। जैसे मैं बहुत जल्दी तथ्यों को याद कर लेता हूँ, आई मेमोराइज फैक्ट्स वेरी क्विकली। नेक्स्ट सीखना। इंग्लिश में बोलेंगे लर्न, लर्न मीन्स सीखना। जैसे वह अंग्रेजी सीख रहा है, ही इज लर्निंग इंग्लिश, ही इज लर्निंग इंग्लिश। नेक्स्ट दोहराना। इंग्लिश में बोलेंगे रिवाइज, रिवाइज मीन्स दोहराना। जैसे तुम्हें परीक्षा के लिए अवश्य दोहराना चाहिए, You must revise for the examination. You must revise for the examination. Next पढ़ाना या सिखाना। इंग्लिश में बोलेंगे teach, teach। जैसे मैं तुम्हें इंग्लिश पढ़ाने जा रहा हूँ, I am going to teach you English. I am going to teach you English. Next समझाना। इंग्लिश में बोलेंगे explain, explain means समझाना। जैसे उसने सावधानी पूर्वक समस्या को समझाया, He carefully explained the problem. He carefully explained the problem. Next नुकीला कर लेना। इंग्लिश में बोलेंगे sharpen, sharpen। जैसे अपनी पेंसिल को नुकीला कर लो, sharpen your pencil, sharpen your pencil। Next मुथुरा या धारहीन। इंग्लिश में बोलेंगे blunt, blunt। जैसे उसकी पेंसिल मुथुरी है, His pencil is blunt, his pencil is blunt। नेक्स्ट है पैना। पैना को इंग्लिश में बोलेंगे शार्प, शार्प। जैसे मेरी पेंसिल पैनी है, माई पेंसिल इज शार्प, माई पेंसिल इज शार्प। नेक्स्ट है मिटाना। मिटाना को इंग्लिश में बोलेंगे रब आउट, रब आउट। जैसे इसे मिटा दो, रब इट आउट, रब इट आउट मतलब इसे मिटा दो। नेक्स्ट है पलटना। इंग्लिश में बोलेंगे टर्न, टर्न या टर्न ओवर। जैसे पन्ना पलट दो, टर्न द पेज या टर्न ओवर द पेज, या आप इसे कह सकते हैं टर्न द पेज ओवर, टर्न द पेज ओवर। नेक्स्ट मोड़ना कागज। इंग्लिश में बोलेंगे फोल्ड, फोल्ड। जैसे कागज को मोड़ो, फोल्ड द पेपर, फोल्ड द पेपर मीन्स कागज को मोड़ो। नेक्स्ट फाड़ना। इंग्लिश में बोलेंगे टेयर, टेयर। जैसे पन्ना मत फाड़ो, Don't tear the page, don't tear the page। Next लिखना। लिखना को इंग्लिश में बोलेंगे write, write। जैसे वह अपना नाम स्पष्ट लिखती है, She writes her name clearly। Next घसीट कर लिखना या जल्दी जल्दी लिखना। इंग्लिश में बोलेंगे scribble, scribble। जैसे घसीट कर मत लिखो, Don't scribble, don't scribble। नेक्स्ट पढ़ना। पढ़ना को इंग्लिश में बोलेंगे रीड, रीड। जैसे तुम अंग्रेजी पढ़ सकते हो, यू कैन रीड इंग्लिश, यू कैन रीड इंग्लिश। नेक्स्ट पढ़कर सुनाना। इंग्लिश में बोलेंगे रीड आउट, रीड आउट। जैसे कविता पढ़कर सुनाओ, रीड आउट द पोएम, रीड आउट द पोएम। नेक्स्ट समझना। इंग्लिश में बोलेंगे अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड मीन समझना। जैसे क्या आप इस वाक्य का अर्थ समझ सकते हैं, कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस,
कैन यू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दिस सेंटेंस। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही नॉलेजबल वीडियो देखने के लिए सन टीच चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू।